नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे इटली रोम T10 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला, जो खेले जाने वाला है BAP वर्सेस BOL के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 23 अगस्त को खेले जाने वाला है। 12:30 पर मैच स्टार्ट होगा रोमा क्रिकेट ग्राउंड रोम इटली की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हम यूनिक ग्रैंड लीग टीम कैसे बना के चलें, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों कैप्टन लगाएं, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में वॉइस कैप्टन देखने को मिलेगा, कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों BOL की टीम से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों BAP की टीम से देखने को मिलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बना के चलें यूनिक GL टीम का और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों हमारी स्मॉल लीग टीम का, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप एक T10 के मैचों में GL टीम बनाना चाहते हो तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देख लेना। प्लस में दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में कि रोमा क्रिकेट ग्राउंड रोम इटली की जो पिच है वो कैसी है। दोनों टीमें दोस्तों रिसेंट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही है। अगर दोस्तों यहां से जो भी टीम मैच को हारेगी वो दोस्तों यहां से एलिमिनेटर से बिल्कुल बाहर हो जाएगी, और यहां से जो टीम विन करके जाएगी वो दोस्तों फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कौन सी टीम से हमें कितने खिलाड़ी लेके चलने हैं अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम में, और कौन सी टीम से दोस्तों हमें कैप्टन और वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पिच के बारे में। पिच दोस्तों बैटिंग पिच है। टोटल इस पिच पर 55 T10 मुकाबले खेले गए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 29 मुकाबले जीते हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 26 मुकाबले दोस्तों इस पिच पर विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 135 के करीब देखने को मिल सकता है, यानी कि दोस्तों एवरेज स्कोर ठीक ठाक है T10 के मैचों में। उसी के साथ सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर ROR की टीम ने बनाया है 214 रन का, और सबसे कम स्कोर RC का है, ओनली 47 रन पे ऑल आउट है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग के बारे में कि हमें कितने बॉलर लेके चलने हैं अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम में। तो लास्ट के जो 5 मुकाबले इस पिच पर खेले गए हैं T10 के, उसमें दोस्तों पेसर्स को 44 विकेट मिली है और स्पिनर्स को दोस्तों 13 विकेट मिली है, यानी कि इस पिच पे दोस्तों पेसर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। प्लस में दोस्तों बॉलिंग सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। T10 के मैचों में दोस्तों आपको वही बॉलर ट्राई करके चलना है जो कि रिसेंट के मैचों में कंटिन्यू विकेट निकाल के लेके जा रहा हो, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग टीमों में आप उस खिलाड़ी को पिक मत करना, क्योंकि T10 के मैचों में दोस्तों आपने देखा होगा बॉलिंग लाइनअप लगभग ऐसे बॉलर देखने को मिलेंगे जो सिर्फ दोस्तों फील्डिंग ही आपको करते हुए नजर आएंगे, न तो दोस्तों वो खिलाड़ी आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे, न ही दोस्तों बैटिंग से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन खिलाड़ियों को दोस्तों ओनली फील्डिंग के लिए टीम में सेलेक्ट किया जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो सिर्फ आपको फील्डिंग ही करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ स्कोरिंग पैटर्न 90 से नीचे 7 बार स्कोर है, 90 और 110 के बीच में 12 बार स्कोर है, 111 और 130 के बीच में 10 बार स्कोर है, और 130 से ऊपर इस पिच पे दोस्तों 26 बार स्कोर देखने को मिला है। पिच की कंडीशन दोस्तों आपको कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये पिच दोस्तों ओनली बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। यहां पर बैटिंग ऑर्डर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा, और रीसेंट के मैचों में भी दोस्तों हमने यहां पर देखा है कि बैटिंग ऑर्डर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया है इस ग्राउंड पे, और वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं रीसेंट वाले मैचों के अकॉर्डिंग। तो रीसेंट में BOL वर्सेस KEL के बीच मुकाबला खेला गया था BOL की टीम ने, तो रिसेंट में दोस्तों यहां पर BOL की टीम पहले बैटिंग करते हुए 179 रन का टारगेट करके आ रही है और यहां पर मैच को विन करके आ रही है। चेस करती हुई KEL की टीम ओनली दोस्तों 106 रन ही बना पाई 10 ओवर में, और अपनी 9 विकेट यहां से गवा दी थी, जिसमें 10 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी, 3 विकेट यहां पर स्पिनर्स को। उसके बाद दोस्तों BOL वर्सेज KEL के बीच मुकाबला खेला गया, यहां पर KEL की टीम ने मैच को विन किया, 4 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को और 4 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली। उसके बाद ROR वर्सेस RC के बीच मुकाबला खेला गया। ROR की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन का टारगेट रखा, चेस करती हुई RC की टीम ओनली दोस्तों 122 रन ही बना पाई थी, जिसमें 7 विकेट पेसर्स को मिली थी, 1 विकेट दोस्तों यहां पर स्पिनर्स को मिली। उसके बाद ROR वर्सेस KEL के बीच मुकाबला खेला गया, 2 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को और 14 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली है। यानी कि रीसेंट के जो यहां पर मैचेस खेले गए हैं, जो टीम दोस्तों कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके आ रही है उस टीम ने दोस्तों इस ग्राउंड पे काफी अच्छा स्कोर किया है। चाहे दोस्तों BOL की तरफ से बात कर लें या फिर ROR की तरफ से बात कर लें, ROR का दोस्तों आपको कंटिन्यू काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बैटिंग प्लस
बोलिंग से। उसी के साथ बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के अनुसार कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। हेड टू हेड में दोस्तों यहां पर आपको बीएपी की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगी। रिसेंट में दोस्तों 5-5 इटली T10 के मैचेस ये टीम विन करके आ रही है। और हेड टू हेड में लास्ट के जो 5 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों BOL की टीम ने 3 मुकाबले विन करके रखे हैं, लेकिन BAP की टीम ने ओनली 2 ही मुकाबले विन किए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि रिसेंट में 5-5 इटली T10 मुकाबले BAP की टीम दोस्तों बैक टू बैक विन करके आ रही है। लेकिन यहां से BOL की तरफ से बात करें तो रीसेंट में दोस्तों इस टीम ने 5 में से 2 ही मुकाबले विन किए हैं, यानी कि हम रीसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर BAP की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी ट्राई करके चलेंगे। और इसी टीम में दोस्तों आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन भी देखने को मिल जाएगा। T10 के मैचेस दोस्तों जितने भी चल रहे हैं यहां पर, खासकर दोस्तों इटली T10 के, इसमें ओनली आपको 13 से 14 खिलाड़ी दोस्तों ऐसे मिलेंगे जो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और उनमें से ओनली आपको 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें दोस्तों आपकी जो ग्रैंडली की टीम है काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों यहां पर ये 6 खिलाड़ी हैं, अब इन 6 खिलाड़ियों में आपको जो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे वो ओनली 4 खिलाड़ी नजर आएंगे। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आपको 4 से 5 देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से भी दोस्तों आपको 2 या फिर 3 ही ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। जैसे कि ओपनिंग बैट्समैन की बात करें BAP की तरफ से, यहां से आपको गुलाम जो कि विकेट कीपर ऑप्शन है, रीसेंट के लगातार मैचों में दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। रीसेंट वाले मुकाबले में 106 रन नाबाद बना के आ रहा है, उसके बाद 11 रन, फिर दोस्तों यहां से 66 रन है, फिर दोस्तों 46 रन, 25 रन और यहां पर 10 रन का परफॉर्मेंस है। 30 मुकाबले ये खिलाड़ी खेल चुका है, 1000 रन कंप्लीट है, 40 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, यानी कि रीसेंट के लगातार मैचों में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है। CVC में दोस्तों काफी अच्छा चॉइस देखने को मिलेगा। उसी के साथ हसन अली जो कि रीसेंट के मैच में 8 रन 0 विकेट, उसके बाद 20 रन 0 विकेट, फिर दोस्तों यहां पर 23 रन प्लस में 0 विकेट, फिर यहां पर 37 रन 1 विकेट, 35 रन 0 विकेट, 21 मुकाबले खेल चुका है, 6 विकेट इसके पास है और 26 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। इस खिलाड़ी का भी दोस्तों आपको हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा CVC में, लेकिन रीसेंट के मैचों में दोस्तों इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। रीसेंट की 5 इनिंग के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक ही मुकाबले में दोस्तों इस खिलाड़ी ने 1 विकेट निकाली है, बाकी दोस्तों बैटिंग से 10 12 20 35 रन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ हमीद साद अली रीसेंट में 7 रन प्लस में 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप, फिर दोस्तों 18 रन 1 विकेट, 20 रन नाबाद 1 विकेट, फिर 6 रन 0 विकेट, 12 मुकाबले T10 के, 4 विकेट इसके पास है। लगभग दोस्तों रीसेंट के मैचों में कुछ मैचों में विकेटें निकाली हुई है और कुछ मैचों में बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलेगा। उसी के साथ मोहम्मद जो कि रीसेंट के मैच में 13 रन फिर 0 फिर बैटिंग नहीं, 16 रन नाबाद, 10 रन फिर फ्लॉप है, 38 रन 1 रन 1 विकेट, 10 मुकाबले T10 के, 1 विकेट इसके पास है, 16 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। उसी के साथ दोस्तों शकील हुसैन रीसेंट के मैच में 6 रन प्लस में 0 विकेट, उसके बाद 26 रन 1 विकेट, 3 रन नाबाद 1 विकेट, फिर दोस्तों 5 रन प्लस में 2 विकेट और 24 रन प्लस में 2 विकेट, 14 मुकाबले T10 के, 15 विकेट इसके पास है, 12 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। तो यहां से दोस्तों आपको ये 2 खिलाड़ी रीसेंट के परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन नीचे के जो खिलाड़ी हैं जैसे हमीद की बात करें या फिर मोहम्मद की या फिर शकील की या फिर दोस्तों यहां पर रसेल की, इन खिलाड़ियों का लगभग लो सिलेक्शन है, लेकिन ये खिलाड़ी आपको कभी भी ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको इन 3 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों में से ओनली 2 ही खिलाड़ी आपको करके चलने हैं, बाकी दोस्तों 2 खिलाड़ी आपको ड्रॉप करके चलने हैं। उसी के साथ दोस्तों यहां से शकील जो कि रीसेंट का परफॉर्मेंस, उसके साथ रसेल जो कि रीसेंट में 10 रन प्लस में 0 विकेट, 24 रन नाबाद 1 रन 1 विकेट, 1 विकेट 15 रन नाबाद, 20 मुकाबले T10 के, 7 विकेट इसके, जो कि रीसेंट के मैचों में दोस्तों इतना खास परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहां से नंबर 3, 4, 5 और 6 इनमें से दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही खिलाड़ी ट्राई करके चलने हैं। तो यहां से दोस्तों वही खिलाड़ी आपको पिक करना है। जैसे यहां पर हमीद साद की बात करें तो ये आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आएगा, यानी कि नंबर 3 पे बैटिंग थोड़ा सा जल्दी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये खिलाड़ी आपको ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकता है। प्लस में दोस्तों कंटिन्यू इस खिलाड़ी की तरफ से आपको बॉलिंग भी देखने को मिलेगी, यानी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दोस्तों ये खिलाड़ी करते हुए नजर आ सकता है।
उसी के साथ दोस्तों बात करें अगर शकील होसन की, तो ये दोस्तों आपको नंबर 5वें बैटिंग करते हुए नजर आएगा और रिसेंट के मैचों में दोस्तों विकेट भी निकाली हुई है। यहां पर दोस्तों बात करें अगर इसके रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो रिसेंट वाले मैच में दोस्तों फ्लोप है, बाकी के हर मैच में इस खिलाड़ी की तरफ से विकेट देखने को मिलेगी, यानी कि ये खिलाड़ी आपको ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 7 के खिलाड़ी के बारे में, तो यहां से नंबर 7 का खिलाड़ी इमरान, जो कि रिसेंट के लगातार मैचों में दोस्तों बॉलिंग करवा रहा है, विकेट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। रीसेंट वाले मैच में विकेट नहीं है, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, 22 मुकाबले T10 के और 19 विकेट इसके पास है। इसी के साथ ये जो चार खिलाड़ी हैं ये आपको कंटिन्यू यहां से फील्डिंग ही करते हुए नजर आएंगे, बैटिंग ना तो दोस्तों इनकी बैटिंग देखने को मिलेगी ना ही बॉलिंग से। एक मैच में दोस्तों आपको बैटिंग बॉलिंग से ड्रॉप, सेकंड मैच में एक ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे यहां पर इलियास अहमद, जो कि रिसेंट के दो मैचों में दोस्तों बॉलिंग नहीं करवा रहा है, 19 मुकाबलों में ओनली 8 ही विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। उसके साथ दोस्तों यहां पर नंबर 9 के खिलाड़ी की बात करें, तो इसने भी रिसेंट वाले मैच में बॉलिंग बैटिंग कुछ भी नहीं है, उसके बाद 1 रन नाबाद, फिर दोस्तों 2 मैचों में बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं, उसके बाद 8 रन नाबाद, फिर दोस्तों 2 विकेट, फिर यहां से 2 रन, 9 मुकाबले T10 के, 2 विकेट इसके पास है, 11 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। उसी के साथ नंबर 10 पे सैफी, रीसेंट में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, फिर दोस्तों यहां पर 0 विकेट है, फिर यहां से 1 विकेट, फिर कंटिन्यू दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से बॉलिंग देखने को नहीं मिली है, 5 विकेट इसके पास है ओवरऑल T10 फॉर्मेट में। उसी के साथ गुलाम अब्दुल, जो कि रीसेंट में 0 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, फिर दोस्तों यहां पर एक मैच आपको ड्रॉप भी देखने को मिलेगा, 14 मुकाबलों में ओनली 9 विकेट के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये दोस्तों फाइनली आपको BAP के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों बात करें अगर सेकंड टीम के बारे में कि यहां पर BOL की तरफ से कौन सा खिलाड़ी रिसेंट के मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करके आ रहा है, इनमें से दोस्तों हम कौन से खिलाड़ी को कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चले। जैसे नंबर 1 पे दोस्तों आपको अंकुश कुमार, जो कि रिसेंट के मैच में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी था कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप में, 53 रन प्लस में 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया, 24 मुकाबले खेल चुका है, 8 विकेट इसके पास है, 26 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। कंटिन्यू दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप देखने को मिला है, अगर रिसेंट वाले मैच में इस खिलाड़ी ने 53 रन प्लस में 1 विकेट निकाली है। उसके साथ फैजान नजर, जो कि रिसेंट के मैच में 26 रन प्लस में 3 विकेट, उसके बाद 31 रन प्लस में 0 विकेट, 24 रन प्लस में 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, उसके बाद फ्लोप है, 36 मुकाबले T10 के, 24 विकेट इसके पास है, 14 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। इंपोर्टेंट प्लेयर है, नंबर 2 का भी खिलाड़ी आपकी टीम में इंपोर्टेंट होगा, अंकुश कुमार को भी लेके चलना है। उसी के साथ हसीब खान, जो कि रिसेंट में 46 रन प्लस में 1 विकेट, उसके बाद फ्लोप है, फिर दोस्तों 34 रन प्लस में 1 विकेट, उसके बाद फिर से फ्लोप, फिर 25 रन प्लस में 1 विकेट, यानी कि ये खिलाड़ी एक मैच में फ्लोप चलता है, एक मैच में परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और इस खिलाड़ी ने दोस्तों 38 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 34 विकेट अभी तक इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। उसके साथ अब्दुल्ला, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग ऑर्डर है, रिसेंट में 0 रन प्लस में 1 विकेट, उसके बाद फ्लोप है, फिर दोस्तों 3 विकेट, फिर 22 रन, 0 विकेट, 13 मुकाबले T10 के, 9 विकेट इस खिलाड़ी ने अभी तक निकाली हुई है। उसके साथ आकाशदीप, जो कि रिसेंट में 31 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, उसके बाद 41 रन नाबाद, 6 रन नाबाद, 34 रन नाबाद, 2 रन नाबाद, 23 मुकाबले T10 के, 5 विकेट इसके पास है, 36 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। यानी कि दोस्तों आकाशदीप की जब भी बैटिंग देखने को मिलती है, लगभग दोस्तों ये खिलाड़ी नाबाद ही देखने को मिलता है। उसके साथ मोहम्मद, जो कि रिसेंट में दोस्तों 6 रन नाबाद, उसके बाद फ्लोप है, फिर दोस्तों 2 विकेट, उसके बाद फिर से फ्लोप, फिर यहां से 6 रन नाबाद प्लस में 2 विकेट, 7 विकेट इसके पास है T10 फॉर्मेट में, 14 मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं। तो ये दोस्तों फाइनली आपको BAP के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इनके जो बॉलिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। लगभग दोस्तों यहां से सभी खिलाड़ी आपको बॉलिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर नहीं आएंगे, लगभग 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ दोस्तों आपको यहां से फील्डिंग ही करते हुए नजर आएंगे। जैसे जावेद अहमद, रिसेंट वाले मैच में 2 विकेट, उसके बाद दोस्तों बॉलिंग नहीं है, 2 मुकाबले खेल चुका है, 2 ही विकेट अभी तक इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। उसके साथ कसान, जो कि रिसेंट के मैचों में दोस्तों बैटिंग बॉलिंग से कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, 13 मुकाबलों में ओनली 4 रन है, जिसमें से दोस्तों 3 मैचों में इस खिलाड़ी की बैटिंग देखने को मिली है, लगभग इस खिलाड़ी की आपको बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी, 13 मैचों में 4 रन है, 1 रन का एवरेज स्कोर है। उसी के साथ दोस्तों यहां पर सुफियान, जो कि रिसेंट के लगातार मैचों में बैटिंग देखने को नहीं मिली, 14 मैचों में ओनली 1 ही रन इस खिलाड़ी ने बनाया है।
उसके साथ दोस्तों अली जो कि रिसेंट के मैचों में इस खिलाड़ी की तरफ से भी बैटिंग नहीं है, 6 मैचों में ओनली 1 रन इसके पास है, यहां से इंपोर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है यासीन खान जो कि रिसेंट के लगातार मैचों से परफॉर्मेंस है, और ये खिलाड़ी दोस्तों आपको 2 ओवर कंप्लीट भी करवाते हुए नजर कंफर्म आने वाला है। 14 मुकाबलों में 17 विकेट के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया है। तो यहां से दोस्तों एक तो आपकी टीम में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकता है जावेद, जो कि रिसेंट के मैच में 2 विकेट निकाल के आ रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये खिलाड़ी आपको बॉलिंग से परफॉर्मेंस करके दे और कंप्लीट 2 ओवर भी करवा के देगा। उसी के साथ यासीन खान ये कन्फर्म है आपको 2 ओवर करवाते हुए नजर आएगा। थोड़ी बहुत डाउट चलेगी दोस्तों यहां से जावेद अहमद के ऊपर, क्योंकि रिसेंट में 2 विकेट है, अगर पहला ओवर थोड़ा सा खराब गया इस खिलाड़ी का तो सेकंड ओवर दोस्तों ये खिलाड़ी नहीं करवाएगा, तो यानी कि ये 2 बॉलर यहां से आप ट्राई करके चल सकते हो। उसी के साथ दोस्तों फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप हाई सिलेक्शन गुलाम और हसन अली, रसेल और शकील होसन, इधर से दोस्तों आपको अंकुश कुमार, फैजान उसके साथ यहां पर अब्दुल्ला, उसके साथ दोस्तों हसीम खान, ये टोटल 8 खिलाड़ी हैं जिनका फैंटेसी में सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन है। ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों शाहिद इमरान, उसके साथ हमीद साद अली, इधर से दोस्तों आकाशदीप और यासीन खान, ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं जिनका फैंटेसी में लो सिलेक्शन है, प्लस में आज के मैच के ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ मेरी जो आज की फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिलेगी उसमें दोस्तों मैंने वॉइस कैप्टनसी में गुलाम को ट्राई किया है दोनों टीमों में, क्योंकि रिसेंट के लगातार मैचों में परफॉर्मेंस है। यहां पर दोस्तों अली को मैंने कैप्टनसी में ट्राई किया है दोनों टीमों में, यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे लगभग 4 से 5 ऑलराउंडर दोनों टीमों में, दोस्तों आपको 5 ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे। और यहां से बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलर में दोस्तों मैंने उसी खिलाड़ी को ट्राई किया है जो कि कंटिन्यू बॉलिंग करवा रहा है, बाकी यहां से मैंने खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है। अगर बैटिंग की बात करें तो आकाशदीप आपको दोनों टीमों में देखने को मिलेगा, और यहां से दोस्तों अंकुश कुमार आपको दोनों टीमों में देखने को मिल जाएगा। ये मेरी फाइनल 2 फैंटेसी टीमें देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन चॉइस भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर। अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाना, वहां पर भी मैं आपको अपडेट डाल दूंगा। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।